सोलन में मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सोलन शहर में जगह जगह खिचड़ी बांटी गई। लोगों ने सर्द मौसम में गर्म खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया और मकर संक्रांति का त्योहार मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव से मनाया। पंजाबी महासभा द्वारा भी इस मौके पर गंज बाजार में खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। मकर संक्रांति के त्योहार पर खिचड़ी का प्रसाद वितरित करते हुए पंजाबी महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि वो प्रत्येक वर्ष लोहड़ी के अगले दिन खिचड़ी का प्रसाद वितरित करते आए हैं और सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव से इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं और सभी खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उन्होंने बताया कि इस खिचड़ी का दान महादान बताया जाता है और इसलिए सभी लोग सुबह नहा धोकर खिचड़ी का दान करते हैं। इस दिन सूर्य देव भी अपना स्थान बदल लेते हैं। यही कारण है कि हिंदुओं के लिए ये त्योहार और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी का यहाँ आवंटन किया जा रहा है, मना रहे हैं और यहाँ काफी लोग उत्साहित होकर खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन सभी लोग चावल और माँ की दाल को रखकर उसमें कुछ सिक्का डालकर दान करते हैं और बाद में इसको इसका खिचड़ी बनाकर लोगों को खिलाते हैं। इसका हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है और इसको करने से आपको पुण्य मिलता है। सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करता है। आज मकर राशि के अंदर आने का वजह से मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और आज खिचड़ी का जो महत्व है, खिचड़ी स्वास्थ्य का प्रतीक मानी जाती है कि उड़द और उड़द को हमारे उसमें त्योहारों में शुभ माना जाता है और स्वास्थ्य के इस खिचड़ी को स्वास्थ्य के रूप में आज बांटा जाता है। आज के दिन सूर्य उत्तरायण में होता है, उत्तरायण में हुआ है और आज जो है भीष्म पितामह ने भी आज का दिन चुना था अपनी इच्छा मौत के लिए।